बड़ी खबर पश्चिम बंगाल में उत्तर दिनाजपुर जिले के हेमताबाद बीजेपी विधायक देवेंद्र नाथ राय का शव घर के करीब 1 किलोमीटर दूर मिला है। किसी दुकान के बाहर उनका शव लटका हुआ पाया गया है। परिवार और पार्टी का आरोप है कि उनकी हत्या करके शव को यहां लटकाया गया है। तो ये इस वक्त की एक बड़ी खबर। और पश्चिम बंगाल में इस तरह से लगातार पहले भी खबरें आती रही हैं जिसमें झड़प और दो पार्टियों के बीच में इस तरह की स्थिति, और ये इस वक्त की बड़ी खबर। भावनंदन सिंह हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे संवाददाता, उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे। भावनंदन, जानना चाहेंगे इसके पीछे क्या कुछ नजर आ रही है, इस घटना के पीछे क्या सच्चाई पुलिस क्या बता रही है? देखिए, पुलिस तो फिलहाल पूरा इन्वेस्टिगेशन में लगे हुए हैं। अभी भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन का बाद ही कुछ बताएगा, हम जो लोग बता रहे हैं। और यहाँ पर पूरा मतलब भीड़ जो बड़ा हो चुका है, बहुत आदमी यहाँ पर आ चुके हैं। गाँव का आदमी सब ये सोचने लगे हुए कैसे घटना घट गया, क्या है घटना घट गया। और रात को जैसे कि तूफान बारिश था यहाँ पर, ये बारिश का अंदर ये घटना घटा है। यहाँ पर सब कुछ लेके फिलहाल थोड़ा बहुत टेंशन भी है और सबके ऊपर पुलिस का इंक्वायरी भी चल रहा है। और यहाँ पर सब पार्टी के कार्यकर्ता भी आ चुके हैं, उनका आदमी भी यहाँ पर है, सब सबसे पूछताछ भी चल रही है। मगर पुलिस अभी भी पूछताछ के बाद उनके बाद ही कुछ बताएगा। बॉडी जस्ट यहाँ से मेडिकल कॉलेज में पोस्टमार्टम के लिए ले जाया है। बिल्कुल। हालांकि ये जो दुकान है इसके बारे में क्या जानकारी मिल रही है, क्या ये मार्केट, किस तरह का मार्केट, ये दुकान किसकी जहाँ की ये शॉल लटका हुआ पाया गया है? ये तो एक मार्केट है फिलहाल, रोड का मतलब गांव का अंदर छोटा रोड और रोड का बीच बगल में बहुत सारे दुकानें हैं। वैसे कुछ बात नहीं, दुकान का बाहर का मतलब एक बस के ऊपर उनका बॉडी हैंगिंग मिला है। तो एकदम बराबर गांव का अंदर जैसे गली के अंदर एक मार्केट होता है वैसे मार्केट, बहुत सारे दुकानें हैं बराबर लगभग लगे हुए थे। दुकान का ऊपर कुछ इतना कुछ सेफ नहीं रहा है, फिलहाल सोच चल। बिल्कुल। हेमताबाद बीजेपी के ये विधायक हैं देवेंद्र नाथ राय जी, जानना चाहेंगे कि पहले भी क्या किसी तरह की झड़प, किसी से कोई दुश्मनी, कोई राजनीतिक क्लेश, इस तरह की कोई घटना इस तरह से यहाँ पर सामने आई थी क्या? तो लग रहा है हमारे संवाददाता अभी हमें सुन नहीं पा रहे हैं, वो और जानकारी जुटाने में लगे हुए हैं और जानकारी अपने दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे। इस वक्त की ये बड़ी खबर आ रही है पश्चिम बंगाल से, और उत्तर दिनाजपुर जिले के हेमताबाद बीजेपी विधायक देवेंद्र नाथ रॉय इनका नाम है, इनका शव घर से करीब 1 किलोमीटर दूर मिला है और किसी दुकान के बाहर इनका शव लटका हुआ पाया गया है, जो कि अपने आप में एक सनसनीखेज खबर है। परिवार के लोग और पार्टी, इन दोनों का ही आरोप है कि उनकी हत्या की गई है और उनके शव को यहां लटकाया गया है। जाहिर सी बात है, एक दुकान के बाहर शव लटका हुआ पाया गया तो यह हत्या ही है। परिवार के लोग भी लगातार इसको लेकर आरोप लगा रहे हैं, पार्टी भी आरोप लगा रही है और कुछ बयान भी सामने आएंगे जो कि हम आप तक सुनवाएंगे। और बता दें आपको कि पश्चिम बंगाल में यह कोई इस तरह की पहली घटना नहीं है। हालांकि इस बार विधायक निशाने पर विधायक के शव को यहां लटकाया गया है, लेकिन पहले भी यहां पर राजनीतिक द्वेष और उसको लेकर झड़प, उसको लेकर हत्या और भी संगीन जुर्म इस तरह से सामने आते रहे हैं। तो पश्चिम बंगाल से इस वक्त की बड़ी खबर और तस्वीरें भी अब आपके सामने, किस तरह से घटनास्थल पर मौजूद है भीड़, और जी हिंदुस्तान पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले आप देख पा रहे हैं। और बेहद झकझोर देने वाली ये एक सनसनीखेज वारदात, दर्दनाक खबर, परिवार और पार्टी में कोहराम मचा है, पूरे इलाके में कोहराम मचा है कि कैसे एक विधायक को यहाँ पर घर के कुछ ही दूरी पर उनके शव को लटका दिया गया। उनकी हत्या का अब पूरी तरह से अंदेशा, परिवार के लोगों में काफी खलबली, पार्टी में इस घटना को लेकर काफी खलबली, दिल को दहला देने वाली ये घटना और पूरे इलाके में सनसनी है इस घटना को लेकर। और बंगाल के राजनीतिक रक्त चरित्र को दर्शाती ये एक और घटना, बेहद दुखद, बेहद शर्मनाक इस तरह की घटना। और पश्चिम बंगाल में इस तरह से लगातार पहले भी खबरें आती रही हैं और इस बार एक विधायक निशाने पर एक विधायक के शव को यहां पर एक दुकान के बाहर लटका हुआ पाया गया है। पुलिस मौके पर मौजूद है, फोरेंसिक टीम मौके पर मौजूद है और मौजूद हैं परिवार के लोग, समर्थक, पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, जो कि इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। जी हिंदुस्तान पर सबसे पहले ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको और बंगाल के रक्त चरित्र को प्रदर्शित करती ये घटना, ये तस्वीरें आपके सामने हैं। तो बेहद शर्मनाक, दुखद ये घटना, बेहद दर्दनाक ये घटना और झकझोर देने वाली ये घटना, एक विधायक
सुबह जब लोग उठते हैं, परिवार के लोग उन्हें देखने की खोजने की कोशिश करते हैं, तो देखते हैं कि घर से कुछ ही दूरी पर भी हत्या करके उनके शव को लटका दिया गया है। पूजा मेहता हमारे साथ जुड़ रही है, हमारी संवाददाता, उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे। पूजा, जानना चाहेंगे क्या कुछ अपडेट, पुलिस क्या कह रही है? देखिए श्वेता, आपको बताते हैं, आज सुबह उत्तर दिनाजपुर जो पश्चिम बंगाल का जिला है, वहां पर हिंसाबाद के विधायक देवेंद्रनाथ रॉय, उनका बॉडी दिखती है अचानक से एक दुकान से बाहर, और उसको लटका दिया गया था। और उसके बाद जो है पूरी तरह से आपाधापी का माहौल होता है और पुलिस मौके पर पहुंचती है। फिलहाल पुलिस का ये कहना है कि पोस्टमार्टम किया जाएगा ये देखने के लिए कि आखिरकार ये चीज सुसाइड का है या फिर मर्डर का है। लेकिन परिवार वालों की ओर से ये कहा जा रहा है फिलहाल कि उनको पहले मर्डर करके फिर ऐसे लटका दिया गया है। पुलिस की ओर से भी यही आरोप लगाया जा रहा है कि उनका खून हुआ है। आपको बता देते हैं कि ये पहले सीपीआईएम के विधायक हुआ करते थे, जहाँ पर उन्हें दिल्ली जाते हैं और बीजेपी के सीनियर लीडर्स की मौजूदगी में उनकी ज्वाइनिंग होती है बीजेपी में। लिहाजा कुल मिलाकर बीजेपी का आरोप है कि उनका खून किया गया है। बिल्कुल, क्या कुछ पहले भी इनकी रंजिश की कोई खबर सामने आई थी किसी से इनकी रंजिश? हालांकि यहाँ पर दोनों पार्टियों के बीच में जो तस्वीरें झड़प की हमेशा आती रहती हैं, क्लैश की तस्वीरें जो आती हैं, खबरें जो आती हैं, वो आम है। क्या ये जो विधायक है हेमताबाद बीजेपी के, जिनकी हत्या हुई है, देवेंद्रनाथ रॉय जी का, क्या कोई इस तरह का अभी से पहले का कुछ है, कोई जानकारी इस बारे में मिल पा रही है? देखिए पुलिस की ओर से अभी ये कहा जा रहा है कि प्राइमरीली उनका अभी पोस्टमार्टम किया जाएगा। आखिरकार पुरानी कोई दुश्मनी रही है, कोई परिवार की समस्या है या फिर कोई पॉलिटिकल अगर रंजिश रही होगी तो उस बात की तफ्तीश की जाएगी। लेकिन फिलहाल जो है पुलिस अभी चुप्पी साधी बैठी है और उनका ये कहना है कि पहले पोस्टमार्टम किया जाएगा और जो रिपोर्ट सामने आएगी चाहे वो बिल्कुल। चलिए, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए। पूजा, लगातार आपके पास हम आएंगे और आपसे अपडेट भी लेते रहेंगे। फिलहाल